जिस तरह से हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने का काम करती हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आखिर भड़काने का काम, लोगों को सड़कों पर झोंकने का काम और फिर आगजनी का काम कर कौन रहा है, इसी पर चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। और शुरुआत सबसे पहले मैं विनोद बंसल जी आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है वो डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पत्थरबाजी, बवाल, हिंसा, हत्या तक कर दी जा रही है। ये देश में एक तरीके की जो आग फैल गई है, कौन इसके पीछे और इसका अंत क्या है? एक बड़ी मानसिकता है, मानसिकता वो जो विदेशी पंडित और जो अपने विदेशी जो पोषित मानसिकता है बेसिकली। आप देखिए इसमें वो लोग शामिल हैं जो कि विदेशी शक्तियों के कंधे पर बंदूक रखकर के भारत पर गोलाबारी कर रहे हैं। इसमें वो मानसिकता शामिल है जो कि जाति तो नमाज पढ़ने के लिए और वापस निकलती है तो पत्थर लेकर निकलती है। इसमें वो मानसिकता शामिल है जो कि वास्तव में जो भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय संविधान और उसके कानून में कोई विश्वास नहीं करती। हमने पूरे देश ने देखा कि आमिर अजमल कसाब को फांसी देने के लिए हमने पूरा उसको समय दिया था सुनने का, हमने पूरा उसको एडवोकेट भी प्रोवाइड करवाया। इसके बावजूद कि संपूर्ण देश ने देखा था कि उसने लाइव गन चलाते हुए देखा था, लोगों को, निर्दोष लोगों को मारते हुए देखा था, लेकिन फिर भी हमने रात को 3:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को जगाया कि किसी निर्दोष को फांसी नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो मानसिकता काम कर रही है इस समय कि वो चाहते हैं कि भाई ये शरीयत के अनुसार उसको सड़क पर ला करके बिना कोई सुनवाई करे, बिना कोई न्याय के बारे में कोई बात करे, उसको फांसी पर लटका दिया जाए। ये मानसिकता वो काम कर रही है आखिरकार कि जो कि जो मैंने कह दिया वो ठीक है, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे वो मेरे लिए अमान्य है। आप मुझे बताइए इसके अंदर वो भी मानसिकता काम कर रही है जो कि कहते हैं कि भाई आपकी आस्था तो मेरी आस्था तो आस्था और आपकी आस्था कुछ नहीं, मैं आपकी आस्था का तो मैं उपवास ही उड़ाऊंगा, मेरी आस्था का अगर किसी ने कोई माखोल उड़ाया तो मैं उसको जान ले लूंगा उसमें। आप मुझे बताइए कि महिला अधिकारों की बात करने वाला ये देश, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देश देवता, इस सिद्धांत पर काम करने वाला ये देश, उसको उस देश के महिला को बलात्कार की और व्यभिचार की और सरतन से जुदा करने की धमकियां दी जा रही हैं, वो भी किसके द्वारा? न सिर्फ भारतीयों के द्वारा, भारत के बाहर बैठी शक्तियों के द्वारा भी। आज वो मानसिकता काम कर रही है कि आज हम बोलते तो यहाँ पर हैं और तालियां बजती हैं विदेशों से। ये आखिरकार कब तक चलेगा? भारत के अंदर जिस तरह से इस भारत को हिंसा, आगजनी और लूटपाट और सुरक्षा बलों को हमला लहूलुहान करने का जो घटनाक्रम इस समय जो चल रहा है, ये बेहद निंदनीय है, चिंतनीय है। आप मुझे बताइए रांची के अंदर मस्जिद से निकलते के साथ ही लोग इतने हिंसक हो जाते हैं कि मंदिर को तक को नहीं छोड़ते, हनुमान मंदिर तक को हमला कर देते हैं, सुरक्षा बलों को लहूलुहान कर देते हैं, आगजनी करते हैं और दुकानों को, मकानों को, घरों को जला देते हैं। आखिरकार किसको जला रहे हो भैया? कौन सी मानसिकता जो जला रही है? आखिरकार क्यों मस्जिद से निकलते के साथ आप इतने हिंसक हो जाते हो? उन्होंने उनका क्या दोष था भाई जिनके ऊपर आप आक्रमण कर रहे हो? मैं कहता हूं देश आपका नहीं है क्या? वो संपत्ति आपकी नहीं है क्या? क्या आप उस देश के जला करके आप किसका नुकसान करना चाहते हो? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की जो मानसिकता है ना, उसी के कारण ये सारी समस्या जन्म हो रही है, जन्म ले रही है। और एक और बात मैं कहना देना चाहता हूँ, देखिए ये वो दृष्टांत पेश करना चाहते हैं, अगर शेष समाज ने भी वही हथकंडा अपना लिया तो आखिरकार क्या होगा? सोचिए, जो नहीं होना चाहिए, ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। ABP News, आपको रखे आगे।